नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लिए हुई हेली सेवा शुरू, मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। डोईवाला चौक पर लगेगी शहीद मेजर दुर्गा मल की प्रतिमा, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया शिलान्यास। देहरादून के लाल तप्पड़ में 3 शव मिलने से मचा हड़कंप, पशु लोक बैराज में भी दिखी एक डेड बॉडी। टीरी में घास लेने जंगल गई दो महिलाओं पर गुलदार ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। ये हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी। 7 सीटर पवन हंस की ये सेवा अभी सप्ताह में एक दिन चलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेली सेवा को शुरू करवाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही है, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी, चूँकि इसमें जोड़ना था, पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था, अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे पवन हंस कंपनी का भी, वो जो काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जहाँ लोगों को कई घंटों लग जाते हैं इस सफ़र में, यहाँ ये सेवा शुरू होने से एक घंटे में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पंतनगर जैसी दूरियों की दूर वाली जगह पर भी आसानी से की जाएगी। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 2 करोड़ की लागत से ब्लॉक कार्यालय में टेलीमेडिसिन और कॉमन सर्विस सेंटर का लोकार्पण के साथ ही बाबा हेड़ा खान राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया में HP इंटरप्राइजेस के सौजन्य से डिजिटल क्लास का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि डिजिटल विलेज की अद्भुत शुरुआत जनपद में हुई है। HP ही जो कंपनी है, उनसे CSR की मांग करी। हम भाग्यशाली हैं कि उत्तर भारत में हमारे यहाँ पहली CSR द्वारा खोली गई ई विलेज है, जिसमें टेली मेडिसिन तो है ही और करीब करीब 70 प्रकार के टेस्ट भी आपके होंगे। वो टेस्ट जो होगा पैथोलॉजी के, आपको 10 से 15 मिनट में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं हमारे, काफ़ी संख्या में उत्तराखंड में हैं, तो उसी का एक नमूना यहाँ पर खुला। थोड़ी उसमें और चीज़ें जोड़नी हैं, करीब करीब 30 से 32 तक ऐसे सर्टिफिकेट, ऐसे कार्ड हैं जिनको आप यहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिस्ट ली है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पर्वतीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, और ये दोनों जो होंगे ये शहरी क्षेत्रों में होंगे, जन्म भी मृत्यु, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानक, श्रम कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ों को हर एक के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप भी यहाँ आके ले सकते हैं। पासपोर्ट भी यहाँ बना सकते हैं। एक सुविधा ये है यहाँ पर, पासपोर्ट के लिए हम भटकते रहते हैं, मैंने लिस्ट ली है, 2 पहिया वाहन का इंश्योरेंस हो जाएगा, 4 पहिया वाहन का इंश्योरेंस हो जाएगा, सारे वाहनों का इंश्योरेंस होगा, और जो 3 पहिया वाहन है हमारा जितना। देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हुई 33वें राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर महिला और पुरुष चैंपियनशिप के समाप्ति के दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कैनोइंग रेस का भी लुत्फ उठाया। ये बड़ा अद्भुत था कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार इस प्रकार की कैनोइंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जिसमें 700 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के आयोजन से जहां खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारा ये जो गुलर बहुत क्षेत्र है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के
क्षेत्र में इसका चयन है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत अपार संभावनाएं हैं, उस क्षेत्र में भी हम आगे काम करेंगे। आगे जो यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं इसको बढ़ाने के लिए हम आगे बात करना है, आगे प्रस्ताव देने हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी अच्छी हो, लोगों के आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो। राजस्थान में दलित छात्र की पीट कर हत्या करने के मामले को लेकर कस्बा लंडौरा के वाल्मीकि मोहल्ले से कैंडल मार्च निकाल कर विरोध दर्ज कराया गया। कैंडल मार्च वाल्मीकि मोहल्ले से निकलकर पुरानी चौकी चौराहे से होते हुए अंबेडकर चौक से वाल्मीकि मंदिर पर पहुंच संपन्न हुआ, जहां पर लोगों ने 2 मिनट का मौन उपवास रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। आकाश कांगड़ा और सोहन सिंह ने कहा कि साजिश के तहत दलित छात्र की हत्या की गई है। इस हत्या का उद्देश्य दलितों में दहशत फैलाना है। एक श्रद्धांजलि है उस बच्चे को जिसकी निर्मम हत्या की गई है, और बड़े दुख का विषय है कि आज के शिक्षित समाज में भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि मटका छूने पे ही एक 8 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर रहे हैं। और पूरा दलित समाज क्या सभी लोगों के अंदर एक रोष है, और हम लोग भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन की ओर से इस निर्मम हत्या की बहुत वो करेंगे, निंदा करेंगे हम लोग। और आगामी सभी गांव-गांव में जाके हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, और आगामी कुछ समय में हम लोग एक बड़ा रोष प्रदर्शन कर रहे हैं जिस पे हम लोग बैठक करेंगे। 2-4 दिन में आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सरकार को ऐसे मुद्दों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़े कानून करे जाएं। आज के समय भी अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है तो समाज के अंदर इतना रोष आ जाएगा कि देखान के जो जालौर ज़िले के सरोना गांव में घटना घटी है, वहाँ पे एक बच्चे को पानी का मटका उसने स्वर्ण जाति का छू लिया था, मास्टर का स्कूल का, और उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी है खाली मटका छूने छूने पर। और इस बात का पूरा दलित समाज रोष प्रदर्शन कर रहा है, विरोध में है, और इसी उपलक्ष्य में आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के द्वारा लंडौरा में भी वाल्मीकि समाज रोष प्रदर्शन कर रहा है अपना कैंडल मार्च जला कर। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो छिनबिन होने का जो कारण है वो यही है कि हम लोगों की जो शक्ति प्रदर्शन है वो सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिस कारणवश हमारे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो हम लोगों की जो तरक्की है वो सहन नहीं हो पा रही है सरकार पे, और ये धीरे धीरे दलित समाज का जो है हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जनपद उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली क्षेत्रांगत वार्ड नंबर 7 निवासी अजय श्रीवास्तव मंगलवार दोपहर से अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ डैम में नहाने गए हुए थे। इसी दौरान नदी के बहाव की चपेट में आने से अजय श्रीवास्तव पानी में बह गए। उसके साथियों ने आसपास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाई। तब तक अजय पानी में बहकर बहुत दूर चला गया और बाकी 3 दोस्त घर वापस आ गए, लेकिन दोस्तों ने घर पर घटना की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं जब मंगलवार शाम तक अजय घर नहीं लौटा तो अजय के परिजनों ने अजय को बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अजय नहीं मिल पाया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करना शुरू किया। और 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आज सुबह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में लापता अजय के साथ 3 अन्य बच्चे डैम की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने 3 बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने पूरी घटना पुलिस को बताई। दिनांक 23 अगस्त 2022 को तहरीर प्राप्त की अजय श्रीवास्तव पुत्र शंकर लाल जो अपने घर से गया था, कहीं शाम तक वापस नहीं आया, तो उसके परिजनों ने हमें तहरीर दी थी, तो उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करके हमने उसकी जांच प्रारंभ कर दी थी। जांच के दौरान ये पाया गया है कि वो लड़का कुछ बच्चों के साथ नदी में नहाने के लिए गया था और उसमें नहाते समय पूरा डूब गया है। अभी तक ढूंढ जारी है, अभी तक अजय की का कहीं पता नहीं चल पाया है, प्रयास जारी है, जल्दी ढूंढ लिया है। हाँ, उसे ढूंढने के लिए 2 टीम गठित की गई, हमारी एक टीम तो जो है नदी के किनारे किनारे ढूंढेगी और एक टीम जो आगे के थाने हैं वहाँ ढूंढेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि बह के वहाँ चला गया हो। दूसरा NDRF और SDRF को हमने संपर्क कर लिया, वहाँ से गोताखोर की टीम आ रही है ताकि वो नदी के अंदर भी जाके पता। उत्तरकाशी के हिलकू घाट के पास एक बार फिर भारी भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो गया है। ये भूस्खलन उस वक्त हुआ जब BRO की मशीनरी मार्ग से मलबा हटा रही थी, तभी अचानक पहाड़ी भर से मलबा गिरने लगा, जिसके बाद आनन फानन में मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरगाह पीरान कलियर आगामी सालाना मेला संबंधित STM रोड की और मेला अधिकारी विजयनाथ के निर्देशन और तहसीलदार रोड की चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक अभियान के तहत सिंचाई विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ दरगाह मेला क्षेत्र में सख्ती से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान प्रशासनिक टीम को अतिक्रमणकारियों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन प्रशासन के सामने किसी की नहीं चल सकी और प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण पर ग्रस्त रहा।
लगने वाले सालाना अवार्ड्स को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक कर विस्तृत निर्देश किए गए थे। उसके क्रम में आज उसके क्रम में यहाँ तहसील में भी एक बैठक की गई थी, जिसके संबंध में विभिन्न भागों को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें निर्माण से संबंधित, सफाई से संबंधित, पानी पेयजल व्यवस्था, जायरीनों के रुकने की व्यवस्था, समस्त कार्य शुरू कराने के आदेश किए गए हैं, उसके टेंडर किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है समस्त कार्य 15 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। अतिक्रमण के मामले में ये कहना है कि अतिक्रमण चिन्हित किया गया है, आज टीम गई है 3 बजे से उसको हटाने के लिए, उस पर कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। अतिक्रमण जब तक नहीं पूरा हट नहीं जाता तब तक ये कार्रवाई चलेगी। खानपुर के गांव बिझोली में उत्तराखंड गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम ने बड़ी मात्रा में गौमांस पकड़ा है। आपको बता दें कि टीम ने मौके से गौकशी करते एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची टीम ने गाय को जिंदा बचाया और टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज शैल कुमारी और राजकीय इंटर कॉलेज चमाली में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय में अधीनरत छात्र छात्राओं और उपस्थित विद्यालय स्टाफ को बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के संबंध में जागरूक करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन किया गया। बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम में अपना योगदान देते हुए अपने आसपास होने वाले बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई। साथ ही विद्यालय में उपस्थित स्टाफ और छात्रों को जागरूकता संबंधी पैम्फलेट वितरित किए गए। अमर शहीद मेजर दुर्गा मल के 78वें बलिदान दिवस पर नगर पालिका परिषद डोईवाला ने नगर के सभासद गौरव मल्होत्रा के प्रस्ताव पर डोईवाला की रेल रोड पर दुर्गा मल की मूर्ति लगाने के साथ चौक पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। डोईवाला चौक पर नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में उत्तराखंड के शहरी विकास, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। क्षेत्र के महान सपूत जो बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान किया, शहीद दुर्गामल, उनकी आज पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है, क्योंकि आज के दिन 1944 में उनको जो है फांसी पर लटकाया गया था और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत से ऐसे काम किए थे। अब आप देखिए बहुत छोटी उम्र में जब उनकी शादी हुई थी और 3 दिन में तो उनको सेना में बुला लिया गया, तो ऐसे जो देशभक्त व्यक्ति थे यहाँ जो चूँकि डोईवाला के वो निवासी थे, डोईवाला में उनका घर बार आज भी है, उनके परिवार के लोग आज भी रहते हैं, तो आज हमारे इस शहादत दिवस पे शहरी विकास विभाग की तरफ से 18 लाख रुपए की लागत से उनकी एक प्रतिमा यहाँ लगाने का आज हमने शिलान्यास किया है कि आज एक ऐसे शहीद को हम सब यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनकी याद में एक डोईवाला चौक का जो शहीद दुर्गामल जी के नाम, मेजर शहीद दुर्गामल जी के नाम से था, आज मैंने एक प्रस्ताव रखा था उसमें कि उनकी प्रतिमा के साथ 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिस लगाकर उनको सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं आभारी हूँ डोईवाला की जनता और माननीय मंत्री जी का जिन्होंने आज अपना बेसकूलती समय निकालकर शिलान्यास किया इस कार्यक्रम। देखिए वो ग्रेनाइट से और घोड़ पर सवार उनकी प्रतिमा होगी और उसके पीछे 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा। जनपद नैनीताल में अधिवक्ता मामले में SDM की कार्यशैली को लेकर नैनीताल बार के आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने SDM कोर्ट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान वक्ताओं ने सभा को संबोधित भी किया। यहां सचिव दीपक रुवाली ने कहा कि साथी अधिवक्ता के मामले में प्रशासन और SDM ने जिस तरह अपने मातहतों को आदेश जारी किए उसका अधिवक्ता संघ घोर विरोध करता है। जब तक इस मामले का समाधान नहीं किया जाता तब तक लगातार इस न्यायालय का लगातार विरोध जारी रहेगा। विकास नगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता आकिल अहमद और रजिया बेग ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार मुस्लिमों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही सर्वधर्म वाले इस देश में एक दूसरे के बीच नफरत फैलाकर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस से निष्कासित चल रहे पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान को लेकर चर्चाओं में आए थे, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता रजिया बेग अधिवक्ता होने के साथ ही सामाजिक मुद्दों को लेकर हक हकूक की आवाज़ उठाती रही है। साथ ही वो मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जो गैंग रेप वाला है उसमें वैसे वो सुप्रीम कोर्ट चली गई अभी, हमारे उन्होंने बताया जो है, तो इसमें उनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम मांग करते हैं जो है कि उनको दोबारा जेल में डाला जाए। अकेले भाई क्या आपको लगता है कि आज के आज आज बिल्कुल बिल्किस बानो जो है बिल्कुल अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उनके दरिंदों को फिर छोड़ दिया गया है जो है 15 अगस्त के दिन, क्या मुस्लिम समाज क्या करता नजर आएगा, आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि हम तो साथ हैं और मुस्लिम समाज रही बात, मुस्लिम समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुस्लिम समाज वो हमारे और जाति धर्म के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी इन्होंने हरकत। तो सब लोगों की, हम लोगों की मांग यही है कि उनको जेल में डाला जाए, अगर नहीं डाला जाएगा तो उसके खिलाफ भी हम जो है बैठ के अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे और आगे के लिए हम क्या करेंगे मिल के बात करेंगे उस बारे में।
मैं ये कहूँगा कि ये सरकार जब से आई है तब से जो है मेरा सीधा सीधा कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट खासकर किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि दागिस्तान के अंदर जो है एक बच्चा जो दलित है उसने जो है एक मटके से पानी पी लिया टीचर की, उसको इतना पीटा गया, इतना मारा गया जो है कि उसको मार मार के उसको जो है पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई है। तो कहाँ है ये समाज, ये लोकतंत्र कहाँ है? और वो जो मार पीटने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अछूत हैं, दलितों को अछूत बनाते हुए राजपूत लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, तो इसमें पंडित लोग हैं, तो इस सरकार में इन लोगों के लिए छूट है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, 15 अगस्त को सारा देश देख रहा है कि 15 अगस्त वाले दिन एक पॉलिसी है, रिमेशन पॉलिसी सरकार की, उस पॉलिसी के तहत कोई मुलजिम जो अच्छा काम करते हैं जेल के अंदर सजा भुगत रहे होते हैं तो उनको छोड़ने का रिहा करने का एक प्रोविजन है। लेकिन बिल्किस बानो वाले केस में जो छोड़े गए, एक तरफ मोदी जी लाल किले की प्राचीर से बड़े महिलाओं की शान में बहुत बड़े तगमे लगा रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़े गौरव की बात कर रहे हैं, और वही 8 घंटे बाद ऑर्डर का आता है कि गुजरात दंगों में गोधरा कांड में बिल्किस बानो के साथ जो क्राइम हुआ था, जो जघन्य अपराध हुआ था, उसके मुलजिमों को रिहा कर दिया गया, उन्हें उम्र कैद हुई थी। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जब उन्हें उम्र कैद हुई थी और वो इतना बड़ा क्राइम था कि 3 साल की बच्ची को उसी की माँ के सामने, बिल्किस बानो के सामने सिर पटक के मार दिया गया, वो 5 महीने की गर्भवती, उसके साथ रेप हुआ, उसकी माँ के साथ रेप हुआ, उसके घर के 14 लोग थे जिन्हें मार दिया, 7 लोगों की वहीं हत्याएं कर दी गई, और उस केस में, उस क्राइम में जो गुजरात प्रशासन ने मुकदमा लिखने से भी इनकार कर दिया था, पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, तो जद्दोजहद के बाद वो महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र हुआ केस, और वहाँ से CBI ने उसको लड़ा और जीत हासिल की सुप्रीम कोर्ट के इंटरवल से, और लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वो सज़ा मुकर्रर हुई। तो जब वो सज़ा मुकर्रर हो चुकी थी उसके बाद आपने उन्हें छोड़ कैसा दिया, वो भी 15 अगस्त के दिन, कौन सा तोहफा दिया आपने समाज को? पूरा समाज आज डरा हुआ है कि आपने इन्हें गलत छोड़ा है, इन्हें दोबारा इनको जेल जाना चाहिए और उम्र कैद की सज़ा वहीं काटनी है, क्योंकि टेक्निकल मामला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आप कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं, ये कौन सा कंप्लीट जस्टिस है? ये जस्टिस वो है जो लोगों को डरा रहा है। अगर कंप्लीट जस्टिस की बात आप करते हैं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान आपको। डोईवाला के भोपुर की ग्राम पंचायत सारंगधरवाला में ग्रामीण बदबूदार दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार जल संस्थान के अधिकारियों को शिकायत की और नालों में आ रहा गंदा पानी दिखाया, लेकिन उसके बाद विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सारंगधरवाला ग्राम पंचायत के उप प्रधान विशाल तोमर ने घरों में आ रहे बदबूदार गंदे पानी का वीडियो जारी कर शासन प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा जेती क्षेत्र में धामदेव शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इस स्थान पर बलिदान दिया। हर साल धामदेव में शहीद दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। शहीद दिवस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फरसवान, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता चंदन बोरा समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी जी ने जो आह्वान किया था जो भारत छोड़ो, हिंदुस्तान वालों से कहा था कि उससे आज़ादी का आंदोलन और बहुत तेजी में आया था, उसका संदेश हमारे सालम में पहुँचा और सालम वालों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया था। यहाँ के जितने सरकारी कार्यालय थे सबको फूट डाला था और 25 अगस्त को यहाँ गुरुओं की फौज आई थी और उस समय जो है इसी स्थान से लड़ाई शुरू हुई थी, तो हमारे दो शहीद गोली से शहीद हो गए थे और उन्हीं की याद में और तमाम इस एरियाओं में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिसमें राम सिंह धोनी हैं, गुरुदत्त शास्त्री हैं, प्रताप सिंह भोला जी हैं, मस्तूराम जी हैं, कई और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सबकी याद में कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिवर्ष होता है। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव सीतापुर में गंदगी का आलम इस कदर है कि यहाँ देखकर ऐसा लगा
कि स्वच्छ भारत अभियान पर ब्रेक लग चुका हो। एक तरफ नदियां कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं, तो पैदल चलने वाले रास्ते और इतना अधिक माल मूत्र है कि पांव रखने की जगह नहीं है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन और जिला पंचायत से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का निस्तारण होने की बजाय अब और अधिक बढ़ चुकी है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो केदार घाटी से पॉलीथीन उन्मूलन का अभियान चल रहा है और वहीं दूसरी ओर सीतापुर जैसे अहम पड़ाव में स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह फेल दिख रहा है और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये देश विदेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु जो इन पड़ावों पर रुकते हैं वो किस तरह का संदेश लेकर जा रहे हैं। आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आज आपको सीतापुर में यात्रा करने की अव्यवस्थाएं हैं उनसे अवगत कराना चाहता हूँ। पूर्व में भी हमने प्रशासन को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, जिला पंचायत को लिखित व मौखिक रूप से भी अवगत कराया था कि यहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं है, कूड़ा निस्तारण पोर्ट नहीं है, पेयजल व्यवस्थाएं नहीं हैं। इन्हें दुरुस्त करने के लिए हमने यात्रा से पूर्व जिला प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन धरातल पर इसका कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया गया, कहीं भी पूरे मार्केट में पेयजल व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है और कूड़ा निस्तारण नहीं है, जो कि सारे बाजार का कूड़ा पाटीघाट नदी में डाला जा रहा है। मैं पुनः एक बार प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि यात्रियों को कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, स्थानियों को कोई परेशानी न हो। यहाँ पर चारधाम में आने वाले जो ड्राइवर लोग हैं उन्हें भी इस तरह की कोई परेशानी न हो। मजबूरन वो जो जंगल को हमारे रास्ते जा रहे हैं उन पे शौच करते हैं, जबकि बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है पूरे बाज़ार में। इसी तरह मुझे लगता है कि हर बाज़ार में इस तरह की अव्यवस्थाएं होंगी, तो मेरा सभी व्यापार संघ अध्यक्षों से। उत्तराखंड की भूमि अपने विशेष लोक पर्वों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं लोक पर्वों में से एक पर्व है सातों आठों लोक पर्व। भगवान के साथ मानवीय रिश्ते बनाकर उनकी पूजा अर्चना और उनके साथ आनंद मनाने का त्यौहार है। सातों आठों त्यौहार उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, डीडीहाट और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में मनाया जाने वाला ये त्यौहार प्रति वर्ष भाद्रपद मास में मनाया जाता है। उत्तराखंड के कालाडूंगी चकलुआ में जनपद पिथौरागढ़ मूल के निवासी, जो अब चकलुआ में 4 से 5 पीढ़ियों से यहाँ बस गए हैं, जो इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। सातों आठों जो है त्यौहार है, ये जो है इसको लोक के त्यौहार ये सदियों से चला आया है। मूल रूप से जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये हमारे पिथौरागढ़ ज़िले के डीडीहाट, गंगोलीहाट और धारचूला साइड जो है विशेष रूप से मनाया जाता है। वर्तमान में जो है वहाँ के सारे लोग इधर बस गए हैं जहाँ जहाँ, तो वहाँ भी बहुत धूमधाम से वो मना रहे हैं और समय के संग बहुत बढ़ता ही जा रहा है ये। और वर्तमान समय में जो है अपनी लोक संस्कृति हो तो हमारा समाज आकर्षित हो रहा है, तो ये बड़ी धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है। कौन सी ग्राम सभा मनाया गया आपके द्वारा? ये यहाँ पर अपने नैनीताल जिले के चकलवा क्षेत्र है, चकलवा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ग्राम सभा। विद्रामपुर, रामपुर, सारे गाँव में यहाँ पर बहुत अच्छी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।